पशु चिकित्सा अधिकारी का वीडियो वायरल। प्रभारी सीपीओ का 3 लाख की रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। गो आश्रय केंद्रों पर भूसे की सप्लाई में करोड़ों का खेल। सीपीओ और ठेकेदारों की मिलीभगत से करोड़ों का बंदरबांट। टेंडर को 5 से 7 करोड़ करने के लिए 3 लाख घूस ली पशु चिकित्सा अधिकारी सुरेश पांडे का यह जो वीडियो है वायरल हो रहा है। ये सरेआम जो है घोटाले करते हुए नजर आ रहे पशु चिकित्सा अधिकारी है सुरेश पांडे, जिनका एक वीडियो वायरल हुआ है और ये वीडियो में साफ साफ घूस लेते हुए नजर आ रहे हैं। पशुओं के चारे के साथ घोटाले का जो मामला है वो सामने आया है। संवाददाता संजीव नामदेव उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, ये क्या कुछ पूरा मामला है जो पशु चिकित्सा अधिकारी का घूस लेते वीडियो वायरल हुआ है? सरसला जी, आपको बता दूं कि पूरा मामला जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी है सुरेश पांडे, उनकी आवाज का ये पूरा वीडियो है। जो सैलेज कंपनी है भुसे का, जो टेंडर का काम करती है, उस टेंडर को कराने के लिए इन्होंने उससे 3 लाख रुपए का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें 3 लाख रुपए साफ देखे जा रहे हैं कि 3 लाख रुपए नगद लिए, 2 लाख रुपए उन्होंने उससे पहले लिए, कुल 5 लाख रुपए की उन्होंने रिश्वत ली है इसमें। और वहीं जो टेंडर है उसको बढ़ाने के लिए 5 करोड़ से करीब 7 और 8 करोड़ रुपए टेंडर कराने के लिए उन्होंने और पैसों की उससे मांग की थी। लगातार जिस तरह से जो गाँव का निवाला है, वह ललितपुर के जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी है, वह छीनने में लगे हुए हैं, लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति है कि भ्रष्टाचार कम हो, लेकिन जो गोवंशों के मामले में ही जो सीबी हो वो लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इनकी लगातार शिकायतें भी हो रही हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होने की वजह से इनके हौसले लगातार बुलंद हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बरेली के ट्रांसपोर्ट नगर योजना में फर्जीवाड़ा, जाली दस्तावेज तैयार कर बेच दिया गया भू।